going on? It's your boy Ninja back in the vlog with another new video. आज की वीडियो की शुरुआत होती है उदयपुर में. ये जगह पे मुझे बहुत टाइम से आना था. आप लोगों को बता देता हूँ, आज हम लोग जाने वाले हैं बोट राइड के लिए. मार्केट एक्सप्लोर करेंगे और लोकल फूड खाएंगे. ये तीन चीज इस ब्लॉग में जरूर बताएंगे. और व्यू भी रूम का इतना बॉम है ना, डायरेक्ट डोर खोलने के साथ सामने लेक मिल जाता है. तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ. तो जो मैं जिसकी बात कर रहा था, और यहाँ पर देखो ये व्यू है यहाँ का. वाह, अभी मैं क्विक सा हेयर स्टाइल कर लेता हूँ. यहाँ पर अभी बारिश हो रही है, मतलब ड्रिजल हो रहा है. अभी देखते हैं चले जाए तो बहुत अच्छा होगा. वॉल्यूम आता है इससे बहुत अच्छा, बहुत तगड़ा. तो हेयर इज फाइनली सेट, जिसका मुझे बहुत टाइम से इंतजार था. ये देखो ये कुछ ऐसा वॉल्यूम आ चुका है. एंड अभी हम लोग जाते हैं बाहर एक्सप्लोर करते हैं. पहले बोटिंग करेंगे, पर अभी बारिश चले जाए तो ही कर पाएंगे. उसके बाद रोप वे करना है मुझे चेन्नई सिटी पैलेस है, जो कि मैं नहीं एक्सप्लोर करने वाला हूँ. ये वाला जो प्रॉपर्टी है ये है, ये मतलब डॉर्मेट्री वाले लोग आएंगे तो उनके लिए. और वो वाला जो था गेट के आगे वो प्राइवेट है. तो देख सकते हो कितना अच्छा है, एक बहुत सिस्टमेटिक बनाया हुआ है. तो इसलिए मैं कभी भी आप लोग सोलो ट्रैवल करो ना, हॉस्टल में ही स्टे करना. बोट का टिकट ले लिया. ये प्राइस है, तो मैंने यहाँ से ले लिया टिकट और अभी बेसमेंट में जाने. लेट्स सी. अगर गेम वेम खेलना है तो यहाँ पर आ सकते हैं. अभी देखते हैं, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ रोप वे. लेट्स सी हाउ इट गोज. डर भी नहीं लग रहा है, इससे अच्छा जाइंट फील होता है सीरियसली. बस हाँ, व्यू एकदम बहुत मस्त आ रहा है यहाँ से. स्टेप्स देखना. फक ब्रो, कौन जाता रहेगा, पता नहीं कौन जाता रहेगा यहाँ से. अगर रोपे से नहीं जाना है तो यहाँ से ही जाना है. बहुत मस्त एक्सपीरियंस था. लेट्स सी ना, अभी वो राजस्थानी ड्रेस जो यहाँ पे ना देख रहा हूँ मैं, अगर वो मिल जाए तो अच्छा. पैसा पूरा व्यू का है. जैसे कि आप लोग ने देखा, मैं रोपे से ऊपर आया. और आप लोग ज़रूर ट्राई करना, ठीक है. ज़्यादा महंगा नहीं है ये, 117 रुपीज़ पर पर्सन है. हमने तो पूरा केबिन लिया था. सी गाइस, यहाँ का व्यू देख सकते हो. ये जो पॉइंट है, ये रूम से हमें सनसेट बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है. जैसे कि यहाँ पर हम गए थे, देखे थे अपने, तो पूरा वहाँ से वो दिख रहा है. एक मिनट जूम इन करता हूँ. वाइट कलर का वो फोर्ट है, वहाँ से पूरा घूम के हमें पूरा ये जो दिख रहा है बोट. 150 रुपीज़ लेते हैं पर पर्सन, जिसमें 12-30 सीटर रहता है ऐसा कुछ, तो उसमें ही बैठने का. और दूसरा जो रहता है उसका बस सोफ़ा वाला सीट रहता है, सेम है, कुछ मतलब नहीं है. वो 300 रुपीज़ पर पर्सन है. और आज हम सोच रहे हैं कि कोई अच्छे कैफ़े जाए. जैसे कि मैं यहाँ पर फ़ोटो डालता हूँ, अब तक का मेरा बेस्ट फ़ोटो था वो. और अभी हम लोग देखते हैं कोई थाली खाने के लिए जाएंगे. 56 बुक करके जगह है, वहाँ की थाली ट्राई करेंगे. चलो स्टार्ट. आपके चैनल का नाम क्या? हदीन व्लॉग्स. हदीन व्लॉग्स. यो सो गाइस, कैसे आप सब लोग? वेलकम बैक टू हदीन व्लॉग. तो गाइस अभी हम आए हुए उदयपुर में. तो गाइस देख लीजिए व्यू. वाओ भाई, सनसेट आ रहा है देखो.
आपका नाम तो बताओ। मेरा नाम है यथार्थ वर्मा। ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना है। आज की वीडियो खत्म? हाँ खत्म। इतना जल्दी वीडियो खत्म कर दिया तुमने यार। तो अभी जस्ट हमने ऑटो लिया और अभी हम छप्पन भोग आ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं सोच के तो ये आया था कि 56 टाइप का खाना मिलता है, पर अभी मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ नाम इसका है और थाली मिलती थी नॉर्मली। तो एक जाते हैं, तो मैं अभी एक एक चीज़ खाता हूँ और उसका रिव्यू देता हूँ। अभी इनमें एक्चुअली लोग तीन रोटी देते हैं अलग टाइप, ये तीन है। एक तो मैंने खाया बटर नान जो नॉर्मल होता है, और अभी दाल है, सॉरी भाजी नहीं देते, भाजी है। मुझे पहले तो लगा था ये मोदक है, मोदक नहीं। इधर ऐसा नहीं, किधर पे ऐसा होता है कि एक थाली में एक ही जन खा सकते हैं, पर इधर एक थाली में दो से तीन जन आराम से खा सकते हैं।